नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का जो रोमांच है वो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। एक से बढ़कर एक मैच आपको देखने को मिल रहे हैं। छोटी टीमें बड़ी टीमों को हरा रही है तो बड़ी टीमें भी लगातार उलटफेर का शिकार हो रही है। और इसी कड़ी में तीन नवंबर शुक्रवार को मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान और नीदरलैंड के लिए। अफगानिस्तान के लिए ये मैच करो और मरो का रहेगा, क्योंकि अगर उसे सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो नीदरलैंड को हराना होगा। वैसे ये मैच है लखनऊ के एकाना स्टेडियम में, तो आप पॉसिबिलिटी या थोड़े से चांसेस अफगानिस्तान को ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि स्पिन ट्रैक है यहाँ पर, स्पिनर्स को मदद मिलती है और अफगानिस्तान के पास कैसे स्पिनर है ये बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, इसके अलावा सबसे फेवरेट, आपका फेवरेट जो फैंटेसी 11 के, वो कौन से 11 खिलाड़ी है जिनको आप चुन सकते हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर नीदरलैंड की बात करें तो विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडाउट आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद वेस्ले बरेट्सी, कॉलिंग एकरमैन, स्कॉट एडवर्स, बास डी लीडे, साइब्रैंड एंगलब्रेक्ट, लोगान बैन बीक, सारिज अहमद, आर्यन दत्त और पॉल वैन मिकेरेन। तो ये है नीदरलैंड की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर अफगानिस्तान के बारे में बातचीत करें तो रहमतुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जरदान, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी, अजमतुल्ला उमरजई, इकराम अली खिल, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक और फजल फारूकी। तो यह दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में भी बातचीत करनी ज़रूरी है, क्योंकि हेड टू हेड मुकाबलों से पता चलता है कि किस टीम का दावा मजबूत हो सकता है। तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 9 मैच हुए हैं, जिसमें से 7 मैच जीते हैं अफगानिस्तान ने, 2 मैच जीते हैं नीदरलैंड ने, 7-7 का रेशियो है। वही पिच के बारे में बात करें तो यह वही पिच है जिस पर भारत और इंग्लैंड का मैच खेला गया था, यानी इंग्लैंड के एकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह वही पिच है जिस पर भारत और इंग्लैंड का मैच खेला गया था। यह पिच बैटिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहीं आप सोचे आपको रनों की बारिश होती हुई दिखेगी, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, स्पिन और फास्ट बॉलर दोनों को यहाँ पर मदद मिलती है। कुल मिलाकर अगर जिस टीम ने भी थोड़ी सी भी अच्छी या संभल कर बल्लेबाजी कर ली, उस टीम को यहाँ पर एडवांटेज रहेगा। तो अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताया, आपको बताया हमने दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब फैंटेसी 11 के ऊपर भी नजर मारते हैं। तो देखिए, विकेट कीपर में देखें तो एडवर्ड्स और गुरबाज, ये दो खिलाड़ियों को आप कैसे बाहर कर देंगे। नीदरलैंड की तरफ से जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बल्लेबाजी में, कप्तानी में, वो एडवर्ड्स ही है। और गुरबाज बात करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भले ही श्रीलंका के खिलाफ जल्दी आउट हो गए थे लेकिन रनों का अंबार लगा चुके हैं। वहीं बल्लेबाजों में देखें तो विक्रमजीत सिंह, रहमत शाह और जरदान, ये तीन ऑप्शन हमने चुने हैं। ऑलराउंडर इस टीम के पास ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा है, तो बस लीडे, लियान बान वीक और उमरजई, ये तीन ऑलराउंडर है जिन्हें आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। गेंदबाजी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, गेंदबाजी तो मैकनविन, मुजीबुल रहमान और राशिद खान, तो ये तीन गेंदबाज है। अब देखिए, मुजीब भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और राशिद खान तो आपको विकेट लेके देंगे देंगे, इसके साथ में आपको बैटिंग में भी थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से तो राशिद खान को ऑलराउंडर की सूची में होना चाहिए था, लेकिन हर किसी का जो अलग अलग पोर्टफोलियो है वो बना हुआ है। तो अब आपको देखिए सारी चीज़ बताई, अब कप्तान किसे बनाएंगे। देखिए, मैं कप्तान बनाऊंगा गुरबाज को, हम कप्तान बनाएंगे गुरबाज को, क्योंकि बेहद शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। शुरुआत में विरोधियों की ऐसी कुटाई करते हैं जो दबाव में आ जाते हैं, और जब अच्छी चीज़ क्या है इनके साथ कि जब सेट हो जाते हैं तो बड़ी पारी खेलते हैं। और वाइस कैप्टन उमरजई को बनाएंगे, पिछले मैच में इन्होंने अर्धशतक भी लगाया और विकेट भी आपको लेके देते हैं। तो ये है फैंटेसी 11। आपको आप बताइए कि आप इस फैंटेसी 11 से संतुष्ट हैं या नहीं, या आपको लगता है कि नहीं इस खिलाड़ी को बाहर करके इस खिलाड़ी को टीम में लाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं परफेक्ट टीम बनी है जैसा हमने बताया है, आप भी उससे संतुष्ट हैं। तो आप
कमेंट बॉक्स में ये और बता दीजिए कि क्या अफगानिस्तान लखनऊ के गाना स्टेडियम में नीदरलैंड को हरा देगा, या आपको लगता है कि नहीं नीदरलैंड ने जो कारनामा साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था वो कारनामा एक बार फिर से दोहराने जा रही है डच टीम। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।